आपका मेरे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे। कल जन्माष्टमी आने वाली है, हम लोग रोज नई नई तरह की चीजें वगैरह हमारे घर में बन रही हैं। कल भी मैंने भी एक डाली थी भगवान का भोग लगाने के लिए, लेकिन आज मैं कोई भोग वगैरह की चीज नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक छोटी सी भगवान कृष्ण की कहानी, जो मैंने भी अपने बचपन में अपनी दादी से सुना थी। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक्चुअली ये कहानी मुझे इतनी अच्छी लगी थी, तो आज मैं जब याद आ गई तो मैंने सोचा इसे मैं आपसे के संग शेयर करूँ। एक्चुअली फ्रेंड, आप लोग देखते होंगे मथुरा के पेड़े हमेशा ब्राउन कलर के होते हैं, जबकि जनरली खोए की जो मिठाइयाँ होती हैं, बर्फी वगैरह सब होती है, वाइट कलर की होती हैं। आप इसके पीछे कुछ तो राज होगा। चलिए, मैं उसी राज को डिस्क्लोज करते हुए एक कहानी सुना रही हूँ आपको। मुझे नहीं पता ये सच्ची है या कपोल कल्पित है, लेकिन इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि जो भगवान होते हैं वो कितने भक्त वत्सल होते हैं। जब उनको कोई सच्चे मन से पुकारता है तो कैसे दौड़े हुए चले आते हैं। बहुत टाइम पहले की बात है, राजाओं का जमाना हुआ करता था। एक रियासत के एक राजा थे, वो भी मथुरा की रियासत में। तो भगवान कृष्ण के तो परम भक्त थे। रोज मॉर्निंग में वो पेड़े का, खोए के पेड़े बनवा के उसका भोग भगवान को लगाया करते थे। एक दिन जो उनका राजा का रजोइया था, उसकी तबीयत कुछ नासाज थी, कुछ तबीयत खराब होने की वजह से जो वो खोए को भून रहा था, उस समय उसके जो भी उसको अनइजी फील हो रहा था या उसकी नींद लग गई किसी भी कारणवश, खोया ज़्यादा भून गया। उसने ध्यान नहीं दिया कि खोया ज़्यादा भून गया, अब वो खोया ब्राउन कलर का हो गया। जब उस रसोई को चेतनता आई, एकदम से वो घबरा गया बुरी तरीके से। फिर भी अब क्या करता है, टाइम था नहीं, पूजा का टाइम हो गया था। उसने जल्दी से थोड़ा सा बुरा या तगार जो भी मिला के उसके जल्दी जल्दी पेड़े बना दिए, उसको रुमाल से ढका थाली को और मंदिर ले। वो अंदर से घबराहट के मारे उसकी हालत ख़राब हो रही थी कि अरे भगवान अब क्या होगा, राजा पता नहीं क्या करेगा। और राजा ने जैसे ही रुमाल हटाया थाली से, उसे तो गुस्से के मारे हालत ख़राब हो गई। ब्राउन कलर के पेड़े हमेशा से भगवान को वाइट कलर के पेड़े का प्रसाद लगता है, कोई वाइट होता है या ऑफ वाइट होता है, हो जाता है भूथोड़ा का भूल के। राजा ने घूर के उसको देखा और पीछे खड़े हुए सलाहकार से कहा, अपने जो सेनापति और दूसरे लोग खड़े थे पीछे, इस रसोई से कह दो कल ये सीधे ही जैसे ही दरबार ओपन होगा ये आए, क्योंकि आज जन्माष्टमी है और आज मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करा, कल मैं इससे निपटूंगा। वो भाई रसोई अंदर के मारे कांप रहा था, वो समझ गया उसको बहुत सजा मिलेगी। राजा ने भगवान का भोग वगैरह लगा दिया। अब रात्रि हुई, रसोइयों को तो डर के मारे नींद ही नहीं आ रही, वो भगवान को अपने कान्हा को याद कर रहे, हे प्रभु ये क्या हो गया, मैं पूरे मन से बना रहा था पर मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मुझे कुछ झपकी सी आ गई, मैं रात का थका हुआ था, मैं ये मतलब कितने भी कार्य वश थका हुआ था। बेचारा मन से भगवान को याद कर रहा कि प्रभु अगर मुझे राधा ने प्राण दंड दे दिया तो मेरे छोटे छोटे बच्चे उनका क्या होगा। भगवान तो भक्त वत्सल है, पुकार सुन के नंगे पांव दौड़े चले आने वाले भक्त वत्सल हैं। अब इधर बेचारा रसोईया डर के मारे भगवान को सारी रात याद करता रहा। उधर राजा ने के सपने में भगवान कृष्ण आए और बोले, आज का जो प्रसाद था ये वाला, ये बहुत स्वादिष्ट था, मैं ऐसी ही प्रसाद का भोग आज के बाद खाऊंगा, मुझे यही पेड़े चाहिए, मुझे सफ़ेद वाले पेड़े नहीं चाहिए। राजा की आँख खुल गई, सवेरे का सपना था। फिर क्या हुआ, दैनिक कार्यों से निवृत्त होके वही 10-10:30 बजे जब राजा का दरबार लगा, रसोईया बेचारा हाथ जोड़ के कांपता हुआ राजा के सामने आया। सबको ये था राजा तो सजा देंगे ही देंगे, लेकिन ये क्या, राजा ने रसोईयों को गले से लगा लिया और बोले, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, बोले तुम्हारी वजह से आज भगवान कृष्ण ने मुझे दर्शन दिए, आज वो मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने कहा उन्हें ये प्रसाद सबसे ज़्यादा प्रिय है, इसके केवल उत्तर भगवान कृष्ण को मेरे सपने में लाके मुझसे वार्तालाप करने का पूरा श्रेय तुम्हारा और तुम्हारे प्रसाद का है। इसलिए मैं राजा आज से ऐलान करता हूँ कि मथुरा में आज जब से कृष्ण भगवान का भोग लगेगा वो पेड़े कभी वाइट नहीं होंगे, ब्राउन कलर के पेड़े का ही, कत्थई पेड़ों का ही प्रसाद बनेगा। तब से ये परिपाटी चली आ रही है कि पेड़े ऑलवेज ब्राउन कलर के होंगे। मुझे नो आइडिया फ्रेंड्स कि ये कहानी कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, पर अच्छी लगी, भगवान कृष्ण से संबंधित है और ऊपर वाले की एक वो दिखाना कि वो कितने भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों की पुकार पे कैसे चले आते हैं। इसलिए आज मैं आपसे ये छोटी सी कहानी शेयर कर रही हूँ, और अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़
प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा करके। और फिर जल्दी ही मिलते हैं नई देश नई टिप के साथ।